प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे शर्मा जी, भल्ला जी, साहनी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, जैसे अभी मेरे से पहले शर्मा जी ने बताया कि आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पहले चरण में 4 मुख्य जगहों के ऊपर प्रेस वार्ता कर रही है और कल पूरे देश भर में लगभग 34 जगह के ऊपर, 34 शहरों में पूरे देश भर में प्रेस वार्ता होगी। कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स सब जगह पे जा करके आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के पूरे के पूरे मसले को रखेंगे और राहुल गांधी जी को अभी जो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया है, हम लोग इसको कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाई। ये पीछे जो बोल रहे हैं, तो जो प्रेस वार्ता है पूरे देश भर में, इसको हम लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड। और क्यों हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड, इसको हम विस्तार से समझाने यहां पर आए हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मोडानी मतलब मोदी जी और अडानी दोनों मिल गए हैं और दोनों के दोनों मोडानी बन गए। और अगर आप पूरे की पूरी डेट्स को, जो मैं अभी टाइमलाइन बता रहा हूं, उसको अगर आप समझें तो आपको एकदम से समझ में आएगा कि कैसे राहुल गांधी जी बहाना है और असल में मोडानी को बचाना है। सबसे पहले जिसको बेसिस बना करके राहुल जी को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो स्पीच 2019 में 13 अप्रैल को कर्नाटक के अंदर दिया गया और उसकी कंप्लेंट फाइल करी गई सूरत गुजरात के अंदर, कर्नाटक में नहीं, सूरत गुजरात में फाइल करी गई। और 7 मार्च 2022 को जो कंप्लेनेंट खुद है, जो बीजेपी का एमएलए है, वो हाई कोर्ट में जाता है और स्टे ले आता है। वो कहता है कि अभी स्टे कर दीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट स्टे दे देती है। ये स्टे लिया जाता है 7 मार्च 2022 को, एक साल पहले। अभी चल रहा है आपका मार्च 2023, तो 7 मार्च 2022 को स्टे लिया जाता है। स्पष्ट कहना है कि ये हमारी लड़ाई राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर होने के नाते मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये कोई राहुल गांधी जी की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पार्लियामेंट से जेपीसी को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट से जेपीसी स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हमारे देश के 30 करोड़ LIC के जो निवेशक हैं, जिनका 44,000 करोड़ रुपए अडानी के अंदर, अडानी कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से नुकसान हो गया, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके 10.5 लाख करोड़ रुपया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिन्होंने अडानी के स्टॉक में जिन्होंने लगाया था और 2 हफ्ते के अंदर अंदर 10.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जिनको हुआ, हम उन छोटे निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन डिपॉजिटर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी का EPFO के अंदर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा जमा है और EPFO ने निफ्टी 50 में अडानी को डालने की वजह से उसके अंदर एंटरप्राइजेस उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। हम EPFO वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के, जहां पे पेंशन फंड के पैसे जमा होते हैं, उनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बड़ी स्पष्ट बात है कि हम लड़ाई राहुल गांधी जी की नहीं, हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम JPC स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार दूर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अडानी के एंटरप्राइजेस को किस तरीके से सरकार ने मदद करी, मोनोपोलीज किस तरीके से स्थापित करी, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। LIC के 30 करोड़ निवेशक
पॉलिसी धारक हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो छोटे छोटे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जिनका पैसा डूब गया दो हफ्ते के अंदर अंदर, हम उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईपीएफओ में जिनका पैसा जमा होता है पेंशन फंड के अंदर, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम इन सभी लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हम लोग कहना चाहते हैं।